दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 3/11/2017 को एक निर्णय दिया था, जिसमें अपेक्स कोर्ट ने JRN राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान की बीटेक की डिग्री को फर्जी घोषित किया था। सभी विभागों को ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त व सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे। यूनिवर्सिटी को विद्यार्थियों को पैसे वापस देने के आदेश दिए थे। सरकारों को परमिशन देने वालों के खिलाफ CBI इंक्वायरी करने के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन 2001 से 2005 के बीच जिनका रजिस्ट्रेशन था, उनको एक 200 अंक का लिखित पेपर व 100 अंक का प्रैक्टिकल देने के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देने और प्रैक्टिकल देने के दो मौके दिए थे। किसी भी सरकार ने किसी भी कर्मचारी को ना तो बर्खास्त किया, ना सस्पेंड किया, ना कोई CBI इंक्वायरी की गई। अब रही बात पेपर व प्रैक्टिकल देने की, ऐसे लोगों ने पैसे इकट्ठे करके 100 में से 80 या 90 अंक प्रैक्टिकल में लगवा लिए। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए अब आप सभी प्रश्न का एक ही उत्तर देते हैं तो कम से कम 50 अंक तो लिखित परीक्षा में आ ही जाएंगे। इस तरह वो सभी पास हो गए। AICTE व UGC ने भी यह नहीं देखा कि इनकी डिग्री का रजिस्ट्रेशन 2001 से 2005 के बीच में है या नहीं, JRN यूनिवर्सिटी की है या नहीं। ऐसे कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी पाई व प्रमोशन पाया और अभी भी लगे हुए हैं। इंजीनियरिंग विभाग ऐसे लोगों के हाथों में होगा तो पुल गिरेंगे या बचेंगे। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि बंद कर दो IIT, NIT व सरकारी यूनिवर्सिटी। ऐसे सस्ते व सुलभ इंजीनियर जल्दी मिल जाएंगे। जान तो जनता की जाती है, पैसा जनता का बर्बाद होता है, सरकार का क्या बिगड़ता है। माननीय अपेक्स कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस निर्णय पर दोबारा विचार करें। हम सभी युवा रिजर्वेशन आदि के मुद्दे पर लड़ते रहते हैं, लेकिन यह एक भ्रष्टाचार के द्वारा डिग्रियां प्राप्त की जा रही हैं, नौकरी प्राप्त की जा रही हैं, इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। 50% नौकरियां तो रजिस्ट्रेशन में चली जाती हैं, रिजर्वेशन में चली जाती हैं, और 50% नौकरियां ऐसे भ्रष्टाचार की मैट चढ़ जाती हैं। अब टैलेंट लोग जो IIT, NIT व अच्छी यूनिवर्सिटी से पास होते हैं, वे लोग बेरोजगार घूमते हैं। मैं सभी सरकारों से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, और सभी युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि इसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए। जय हिंद।